ऑन द फ्लोर ये जीडीए के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आज गौर पर खान साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सारा बानो बीबी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सामीजा मिर्जा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप डगमगाए नहीं, जुबैदा जलाल साहिबा पीएपी की मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जनाबे वाला पीएमएलक्यू के मोनू सराई साहब सालेक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जनाबे वाला आज मैं इससे पहले शेख रशीद साहब तो हमारे हरीफ हैं, हमारे साथ चले हैं, अब मैं अर्ज करता चलूं कि जनाब इससे पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा, हम इस मुल्क के सब मिल के हिफाजत करेंगे, लेकिन आज इन हालात को सामने रखते हुए ये जो बैरूनी मदाखलत हो रही है, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हुई है, जिसका एतराफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कर रही है, उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ आज इस प्रोसेस का हिस्सा बनना, आज इस प्रोसेस में शामिल होना एक नाजायज हुकूमत को लिजिटिमेट करने के मुतरादिफ होगा और हम इस गुनाह में शरीक नहीं होना चाहते। जनाबे वाला चुनाचे मैं तहरीके इंसाफ का वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था, मैं आज उस सिलेक्शन की बायकॉट का ऐलान कर रहा हूं मैं, और मैं आज पार्टी के इज्तमाही फैसले को सामने रखते हुए आज हमने तहरीके इंसाफ इमरान खान की मशावरत में तहरीके इंसाफ के दोस्तों ने फैसला किया है इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे, हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं, आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं, खड़े हो हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये